हेलो दोस्तों, एमटेक क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोन वर्सेस लीटर के बारे में। तो देखिए, लीटर क्या होता है। लीटर होता है, सपोज आपने कभी दुकान में फ्रिज खरीदने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे जो फ्रिज में आपको मिलता है वो लीटर के बेस पर मिलता है। सपोज 192 लीटर का फ्रिज या फिर 240 लीटर का फ्रिज। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एसी खरीदने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर आपको टोन के बेसिस पर मिलता है। 1 टन का एसी या फिर 2 टन का एसी, इस तरह से मिलता है। तो बेसिकली फ्रिज में लीटर क्या होता है। फ्रिज में लीटर होता है टोटल वॉल्यूम। मतलब सपोज़ ये एक आपका फ्रिज है, इसका जो अंदर से मतलब जितना इसका यूजेबल स्पेस है अंदर, उसको मेज़र करते हैं हम लीटर से। सपोज़ ये हम लोगों के पास एक रेफ्रिजरेटर है। सपोज़ हम मान लेते हैं कि इसका जो हाइट है, इसका हाइट आ गया 120 सेंटीमीटर, और उसी तरह से इसका जो विड्थ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो इसका वॉल्यूम आएगा 120 इंटू 40 इंटू 50 इक्वल्स टू आता है हम लोगों का सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अभी क्या होता है, अभी हम जैसे जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 लीटर। मतलब इसको अगर हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 240 लीटर। ये 240 लीटर जो हो गया, ये हो गया फ्रिज का ग्रॉस वॉल्यूम। मतलब इसके अंदर कितना वॉल्यूम है, वो हो गया ग्रॉस वॉल्यूम 240 लीटर। लेकिन क्या होता है कि ग्रॉस वॉल्यूम से हम लोगों का जो एग्जैक्ट कैपेसिटी है, मतलब जितना हम यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा कम होता है। क्योंकि इसके अंदर में लाइटिंग के लिए थोड़ा सा अलग जगह रहता है, ट्रे के लिए अलग से जगह रहता है, और नीचे की तरफ इधर कंप्रेसर के लिए भी थोड़ा सा जगह होता है। तो इसलिए ग्रॉस जो वॉल्यूम होता है, उससे यूजेबल वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है। लेकिन एग्जैक्ट में वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला यही है। इस तरह से इसका वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ होता है टोन। टोन का मतलब क्या है, टोन होता है रेफ्रिजरेशन का, सॉरी एयर कंडीशन को मेज़र करने के लिए यूनिट होता है। टोन होता है, ये बेसिकली कैपेसिटी ऑफ फ्रीज 1 टन ऑफ वाटर फ्रॉम एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर। मतलब क्या होता है कि ये एक कैपेसिटी है, टोन होता है एक कैपेसिटी। अभी टोन को कैसे निकालते, सपोज आपके पास एक रूम है, आपके पास एक रूम है, और हम मान लेते हैं कि इसका जो डायमेंशन है, दस बाई दस बाई दस का आपके पास एक रूम है। और अभी हम अगर मेज़र करना चाहते हैं कि इसमें कितना टन का एसी चाहिए, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट मतलब इसका जो कैलकुलेशन होता है, वो इस तरह से होता है। जिसमें हम लोगों का क्या था, 3√2 10 × 10 × 10/10। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें मिलता है 1 टन। तो मतलब एक 10 × 10 × 10 का रूम के लिए हमें 1 टन का एसी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इसमें क्या होगा, फ्रिज जैसे क्या होता है, फ्रिज में कोई बाहर से हीट जाने का, या फिर अंदर उसमें जितना ऑब्जेक्ट रहता है उसमें से हीट को नहीं मिलता। इसलिए क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटर आइसोलेटेड होता है। लेकिन रूम क्या है, रूम तो आइसोलेटेड नहीं होता है। रूम में क्या होता है, रूम में किसी तरह से इधर सनलाइट भी आ सकता है, और रूम के अंदर हम लोग का फ़ैन चलता है, लाइट जलता है, उसके वजह से भी उसके अंदर हीट का जनरेट होता है। और इसके दूसरा क्या होता है, दूसरा सपोज़ किसी भी रूम पे एक आदमी भी रह सकता है, और अगर थोड़ा दूसरा टाइप का रूम हो, तो उसमें 3 या फिर 10 आदमी भी रह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि 10 का जो हिसाब होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए और भी दूसरा तरह का फॉर्मूला लगा होता है। जैसे सपोज हम लोग अगर इसमें 3 से ज़्यादा अगर इसमें कोई पर्सन रहेगा, तो उसमें क्या होता है कि हर पर्सन के लिए 600 BTU करके ऐड करते हैं। दूसरा, अगर इसमें सनलाइट आ रहा है, तो सनलाइट आने के टाइम में क्या होता है, इसमें 10 BTU ज़्यादा ऐड करना पड़ता है।
दूसरा किचन के लिए, अगर किचन होगा तो किचन में क्या होता है, किचन में हम लोगों को 4000 BTU ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। अब BTU क्या होता है, BTU होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसमें कन्वर्सन क्या होता है, 12000 BTU इक्वल्स होता है 1 टन। तो ऐसा करते हैं आपको समझ में आ गया टन और लीटर क्या होता है और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है।